मारीना संदेश लाइव। आपकी लड़की को तकलीफ है ज्यादा? जी सर, वो भाई हमारे साथ दूध भी नहीं पी रही सर, चेंज किया था, क्या करूं सर? क्या नाम है? विनोद कुमार सर। क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? सर अंसारी डॉक्टर है, उनके यहाँ सुई दवाई किए, पता नहीं कौन सी दवा दे दी है सर, उसके शरीर में पूरा फोड़ा पड़ गए। नरी के नहीं, कहाँ खोलते हैं दुकान? चौहारीगंज बाजार में सर। अच्छा, हाँ क्या हुआ? सर यही हुआ, हम ले गए, जवाब दे दिए हमको, कहीं दवा यहाँ नहीं हो पाएगी, इसका मर्ज ज़्यादा बढ़ गया है, तो लेके भागे हम सर जिला अस्पताल में जवाब हो गया, फिलहाल यहाँ प्राइवेट में ले गए सर, वहाँ भी जवाब हो गया, तो फिर इनके यहाँ आए, पूछे हम, कहे सर कौन सी दवा दे दिए, हमारे बच्चे के इलाज नहीं हो रहा, कह रहे खून निवाज हो गई, शरीर बन गया है, काला हो गया है खून, तो उसके बाद हम कहे सर हमको चलो इलाज करवा दीजिए, जब तक कहिए तब तक था, तो कहें 1,000 ले लो, 2,000 ले लो, उसके बाद हम कहें हमको पैसा नहीं चाहिए, तो उसके बाद हमको गाली वाली दे कर चमार सूद, हमारी औरत थी, औरत को भी गाली दिए, कहीं जाओगे साले शिकायत करने, तुमको जान से मार दूंगा, मरवा दूंगा, नहीं उठवा लूंगा तुम्हारी औरत को भी, तुमको भी उठवा लेंगे, ऐसे ऐसे कह रहे हैं सर। अच्छा। और हमको एसओ साहब मारे, जान लो भगवान हो गए हैं। आप थाने गए थे? हाँ थाने गए थे सर। थाने में क्या हुआ सर? गए हमको एसओ साहब दिया, उसके बाद हमको एसओ साहब ने क्या कहा? एसओ साहब हमको यही बोले कि बेटा अपने बेटे के लिए जाओ इलाज कराओ, कहें तुम्हारी जेब में पैसा वैसा है, हम कहे साहब 100 रुपये है, हमारे पास पैसा और है नहीं, फिर 2,000 रुपये हमको दिए कि जाओ अपने बेटे की इलाज कराओ, वो जान लो हमारे भगवान हैं, उनके बच्चा भगवान बाल बच्चे को सलामत दें, उनके मनोकामना पूरी हो साहब। किसने दिया था आपको 2,000? यशो साहब अंतु के। अच्छा अच्छा जी सर। और क्या बोले? कहे कि इसको ले जाओ इलाज कराओ, फिर उसके बाद लिख के दिए कि जाओ वहाँ दिखा देना, कोई मिलेगा हमसे बात करा देना, कोई प्रशासन मिलता है, तो कोई नहीं मिला, फिर इनका लिखा हुआ दिखाया तो डॉक्टर साहब वहाँ दवाई वाई कल लिखे हमको सर, दवा वा खरीदा प्राइवेट, मतलब तो फिर अंतु यशो ना? हाँ अंतु यशो, अंतु यशो मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी जी। अच्छा, अच्छा। उसके बाद बोले कि जो भी पैसा कम पड़ता है आप आके हमारे से ले जाओ। अच्छा, यशो साहब ने कहा? यशो साहब ने बोले। अच्छा, अच्छा। मनोज तिवारी जी ने जी जी कहने जितना कम पड़े उतना बेटे मैं पैसा लगाऊंगा, ले जाओ उसको वहाँ इलाज कराओ इलाहाबाद में, इलाहाबाद में रेफर नहीं किए। फिर डॉक्टर सर वो हमको उल्टा सीधा गाली दिए रहे हैं, क्या करें सर, माँ बहन की गाली दिए, चमार सूद करके भगा दे हैं। अच्छा हाँ, मारे दौड़ा तहाँ कहाता 2,000 ले लिया, 3,000, 2-3,000 में सर क्या होगा हमारा बताइए, हमारी बच्ची के यहाँ जान जा रहा है। नहीं तो आपने कहा नहीं कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारी बच्ची की जान चाहिए। हमने कहा कि हमारी बच्ची की जान चाहिए, कि नहीं जब भेजिए तब भी इलाज करो, कल हमसे ये नहीं होगा, साले भाग जाओ नहीं मारूंगा, चमार सूद करके हमारी औरत के औरत को। अच्छा हाँ, अब 20,000 की दवा कराया सर उनके यहाँ। अच्छा अच्छा हाँ, जब हमने कहा कि सर ऐसे आराम नहीं हो रहा, तो कहें कि ले जाओ हमारे बस का नहीं है केस। अच्छा। फिर हमने भागना शुरू कर दिया सर। अच्छा अच्छा जी, मोटा मोटा फबोला पड़ गया सर, कोई भर्ती एडमिट लेने का नाम ही नहीं ले रहा है सर। अच्छा अच्छा, ये तो भगवान जाना हमारा, वो यशो साहेब ने हमको बहुत बड़ी मदद किए हैं जी, उनके हम आभारी हैं, उनके भगवान बाल बच्चे को सलामत दें, उन्हें तरह ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनाए उनको जी। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, आप वो क्या कहते हैं मुकदमा आपका यशो साहब से आपने कहा नहीं कि मेरा मुकदमा लिख दीजिए? बोले से सर यशो साहब कहें कि ले जाओ पहले इलाज कराओ, उसके बाद यहाँ देखा जाएगा केस। चलो ठीक है, पहले इलाज के लिए बोला ना जी। चलिए ठीक, उसके बाद हमारे पुनीत सर हमको बहुत धन्यवाद। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।